नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई आए दिन कोई ना कोई नया रूप ले रही है। इन सबके बीच शिवपाल यादव ने भी अपना फाइनल कमेंट आखिर दे ही दिया है। शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर बोला कि कांग्रेस के लिए यूपी का रास्ता बंद, यूपी में सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही जनाधार है। पहले आपको शिवपाल सिंह यादव का वो बयान सुनाते हैं जिससे अब INDIA गठबंधन में भी हड़कंप मच गया है। आप देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है INDIA गठबंधन बनाए रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम पूरी सीटों पर फोकस करेंगे, 80 की 80 यूपी में करेंगे। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही। तो देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने भी अपना फाइनल कमेंट दे ही दिया है और इशारों में यह भी कह दिया है कि कांग्रेस यूपी में अपना स्तर जानती है, यानी कि कांग्रेस को अभी जमीन मजबूत करने की जरूरत है। इशारों में शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दे दिया है। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, लगातार INDIA गठबंधन अब मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब शिवपाल सिंह यादव ने भी बयान दिया है कि कांग्रेस को गठबंधन बनाना चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि यूपी की 65 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ही लड़ेगी। अगर कांग्रेस को गठबंधन बचाना है, भाजपा को हराना है, तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या शिवपाल के बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक ही प्रतिक्रिया है जो उनके प्रवक्ता और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार दोहरा रहे हैं कि उनकी तैयारी जो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। लेकिन हाईकमान और विपक्षी गठबंधन में जो इनके नेता होंगे, जिस तरीके से तय किया जाएगा, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी अपने बात की जाए तो आगे बढ़ेगी इस चुनाव में। लेकिन जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए तय हुआ था, बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से ये कई बैठकों के बाद एक स्वरूप पे निकल के आया, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल अलग अलग हिस्सों के एक साथ मंच पे आए ताकि NDA वाली सरकार को, हुकूमत को हटाया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और राज्यों के अनाउंस हुए तो उसमें मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है वो खींचतान देखी गई। पहले सपा ने कहा 6 सीटें हमें चाहिए, बात नहीं बनी तो सपा ने 85 सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए और उसकी खुन्नस इस बात की है कि अब लोकसभा की 65 सीटों पे लड़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर ली है। साफ तौर पर 15 सीटें अपने अलायंस या विपक्षी गठबंधन के लिए तय करके रखी है। तो कहीं ना कहीं एक माइंड गेम समाजवादी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है, क्योंकि कल सहारनपुर में अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि गठबंधन के जो हमारे साथी हैं वो हमसे निराश न हो। और ये गठबंधन जो है वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव के समय स्थिति में पता चल गया कि ये जो अलायंस है वो स्टेट लेवल का नहीं है बल्कि नेशनल लेवल का है। लेकिन देखिए विवेक, अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो क्या तस्वीर कुछ और हो सकती थी क्या? क्या ये गठबंधन और मजबूत हो सकता था क्या? देखिए, अगर बात की जाए तो बागेश्वर में जो कांग्रेस सीट हारी, साफ तौर पर अजय राय ने अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया, कहा कि घोसी में हमने उनका समर्थन किया और बागेश्वर में उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया, जिससे कांग्रेस के प्रत्याशी की 2000 वोटों से हार हुई थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 50-50 की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही है। 6 सीटें मांगी जा रही थी, बात की जाए तो 60 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने की बात थी, लेकिन ऐन वक्त पे जो है वो तस्वीर बदली और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी अपनी सक्रियता बढ़ाने लगी है। कुल 85 सीटों पे जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उससे उसी समय साफ हो गया कि गठबंधन जो है वो स्टेट लेवल का नहीं है, राज्य स्तरीय नहीं है, बल्कि वो केंद्र के लेवल का है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी कुछ अप्रत्याशित जीत या बढ़त हासिल करती है तो वह कांग्रेस के लिए
झटका साबित हो सकता है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी झटका साबित हो। अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, क्या प्लान के हिसाब से चुनाव लड़ती है, कितने वोट आते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जिस देखिए विवेक, ये तो रही यूपी के बाद जहां अखिलेश यादव एक सीधी लक्ष्मण रेखा खींच चुके हैं कि भाई हम तो 65 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी जो भी सहयोगी है वो 15 सीटों पर ही अपना चुनाव लड़े, कॉम्प्रोमाइज करे गठबंधन की सूरत में। लेकिन क्या इसकी आज बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए अगर देखा जाए तो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अलग है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार है, केंद्र में उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो लिहाजा डबल इंजन की सरकार है और काफी उम्मीदें भी है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से, क्योंकि पिछली बार यूपी से चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो सरकार रिपीट हुई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, नीतीश कुमार ने दामन छोड़ दिया है, वो लालू यादव के साथ है और बिहार की जो 42 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका लोकसभा चुनाव में निभाते हुए नजर आएगी। 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 42 सीटें अगर देखा जाए तो बिहार की, तो कहीं ना कहीं जो बिहार में नीतीश कुमार का गठबंधन है वो अभी भारतीय जनता पार्टी पर हावी होते हुए नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार ने बकायदा जाति जनगणना का राग ही इसलिए छेड़ा था ताकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस मुद्दे पे घेरा जा सके। फिलहाल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूता जो मौजूदा स्थिति है बिहार में वो उतनी सशक्त नहीं है जहाँ जितनी हम बात की जाए कि भाजपा शासित राज्यों में, खास तौर की उत्तर प्रदेश में। देखिए विवेक, ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी हो सकता है कि ये जो आपसी पार्टियों की राड चल रही है INDIA गठबंधन में, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। क्या वाकई अगर ऐसे गठबंधन में राड चलती रही तो जो सीधा फायदा है वो वाकई बीजेपी को होता हुआ दिख सकता है क्या? देखिए अगर अभी तक का परिदृश्य से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में अगर इस तरह की रार आगे और भी जारी रहती है, सीटों के जो बंटवारे का फॉर्मूला है वो सटीक नहीं बैठता है, अगर कोई भी एक पक्ष नाराज होता है तो निश्चित तौर पर ही कोई ना कोई उसका फायदा उठाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी उसका कितना फायदा उठा सकती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अलायंस चाहेगा कि चुनाव के ऐन वक्त ठीक पहले जो भी चीजें हैं उसको क्लियर किया जाए और सीटों के जो बंटवारे की बात अभी है, 65 सीटें समाजवादी पार्टी कह रही है, हो सकता है समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड पे कायम हो, अलायंस उसको अलाउ करे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अलायंस को देखते हुए, सभी लोगों को देखते हुए ये सीटें जो है ऊपर नीचे हो सकती है और कांग्रेस को इसमें थोड़ी सी वरीयता दी जा सकती है। लेकिन देखिए विवेक, जिस तरीके से मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन का भविष्य बहुत संकट में नजर आता है। क्या लगता है विवेक कि ये गठबंधन क्या 2024 लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा क्या? क्योंकि मौजूदा स्थिति देखी तो अभी से ही विधानसभा चुनाव में ही खुलकर जो तकरार है, जो मतभेद है वो सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिल गया है। देखिए ये मतभेद जो है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, 79 सीटों को लेकर है। इन 80 सीटों के अलावा भी देश के अलग अलग जो राज्य है उनके अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं। बात की जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनने का रास्ता या फिर सरकार चलाने का रास्ता ही निकलेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक का होता है और सरकार जो है वो पूरे देश की होती है। तो उत्तर प्रदेश की इतर भी स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है और इस जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां मैन टू मैन फाइट वो भारतीय जनता पार्टी से कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तक तो सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में अनबन थी, लेकिन अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो है वो अनबन और बढ़ सकती है। 4 बार के सांसद रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये वो नेता है जिनका मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से बहुत पुराना रिश्ता और नाता रहा है। उनके परिवार के लोग कई बार सांसद रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में नजर भी नहीं आ रहे थे। रवि प्रकाश वर्मा ने 2 नवंबर को अपना इस्तीफा सपा के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजा और इस पत्र में उन्होंने लिखा कि जनपद लखीमपुर खीरी में पार्टी के आंतरिक हालात के कारण मैं काम कर पाने में असमर्थ हूं, इसलिए सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। तो देखिए, अब कांग्रेस और सपा के बीच जो विवाद है ये और बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है और अटकलें हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को एक तगड़ा झटका तो लगा ही है। अब आगे क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ने अब उनका साथ छोड़ा है और कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं रवि वर्मा, जो अब सपा में नहीं है। विवेक, एक बार फिर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, कद्दावर नेता सपा के रवि वर्मा ने उनका साथ छोड़ दिया है, अटकलें हैं कि अब वो कांग्रेस में जा सकते हैं। कितना बड़ा और तगड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए माना जाए इसे? देखिए, अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी के पुराने नेता रवि वर्मा रहे हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं और 3 बार वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जा चुके हैं। अभी फिलहाल जनवरी में ही वो 3री बार राष्ट्रीय महासचिव बने थे और जिस तरीके से उन्हें पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल भी सोचनीय है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि एक पुराना नेता, बात करें तो कुर्मी समुदाय से आते हैं और कुर्मी वोट बैंक पर इस समय कांग्रेस समेत तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी नज़र जो है वो जमी पड़ी है और लखीमपुर खीरी में जो लोकल स्तर के नेता हैं या फिर जो नए नेता है समाजवादी पार्टी के जो गुटबाजी कर रहे हैं, आंतरिक परिस्थितियों के कारण ये इस्तीफा दिया गया है, उनके द्वारा ये कहा गया है। बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने शिकायत दर्ज की थी अखिलेश यादव से, साफ तौर पर बकायदा अखिलेश यादव ने फोन करके उनको दिल्ली से बुलाया था, अपने बगल में जो है जगह दी थी, लेकिन फिर भी वो अनबन जो है वो खिस्तान बनी रही। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल 6 नवंबर को वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबर निकल के आ रही है। अब देखने वाली बात तो हुई किस तरीके से कांग्रेस जो है उनका लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर इस्तेमाल करती है, क्योंकि सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं, उसके आसपास सीतापुर, शाहजहांपुर, साथ ही साथ बाराबंकी समेत हरदोई का जो इलाका है जहाँ पे कुर्मी समुदाय ज्यादा है उसके वोट बैंक पे ये कहीं ना कहीं असर जरूर डालेंगे इनका। बिल्कुल विवेक, देखिए कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं रवि वर्मा और इन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया तो उस पत्र में साफ तौर पर एक बात मेंशन की थी कि आंतरिक कलह की वजह से वो अपना काम कर पाने में असमर्थ है। किस बात का उन्होंने जिक्र किया है, क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में? अब देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लखीमपुर खीरी में गुटबाजी से जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कई बार अपनी बैठकों में कार्यकर्ताओं से संबोधित किया है कि जो पार्टी के अंदर जो गुटबाजी करेगा उसके ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक पुराने जो है सपाई जो है मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे थे, 3 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, 3 बार राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, तो कितना बड़ा कद था उनका सपा में ये कोई बतलाने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अंदरूनीकरण गुटबाजी से परेशान थे उन्होंने सपा छोड़ी और अखिलेश यादव ने जब 1 नंबर को बैठक की थी तो साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि किसी भी परिस्थिति में पार्टी में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पार्टी सर्वोपरि है। ठीक है, देखिए विवेक, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार तो चली रही है सीट शेयरिंग को लेकर, अब अटकलें हैं कि सपा के कद्दावर नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरीके से भुनाएगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था आपसे कि कुर्मी वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है कि अच्छा खासा वोट शेयर उत्तर प्रदेश में रखता है। अब इन वोट शेयर को हर प्रकार से अगर देखा जाए साधने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी। जिस तरीके से बात करें तो लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, साथ ही साथ बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, इन जो जिलों में जो कुर्मी वोट बैंक है वहां ये बात की जाए तो रवि वर्मा का अच्छा खासा प्रभाव है और रवि वर्मा के कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में जाने से कई ऐसे नेता है जो रवि वर्मा के पीछे हो सकते हैं और वहां उस पार्टी को बेहतर फायदा हो सकता है। रवि वर्मा पुराने जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और एक अच्छा खासा जनाधार उनके क्षेत्र में उनका बना हुआ है और जिस तरीके से पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई थी ये एक सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जिस भी पार्टी में वो जाएंगे, कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही है, अगर वो कांग्रेस में जाते हैं तो निश्चित
तौर पर कांग्रेस लगातार जो है वो पीडीए को जो है वो झटका देने का काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी के पीडीए को अंदर ही अंदर झटका देने का काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने विवेक, कि अगर सपा के कद्दावर नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो ये पीडीए को भी कड़ा झटका लगेगा जिसके रास्ते पर अब समाजवादी पार्टी चली है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक। अब खबर देवरिया से है जहां हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी प्रदेश फतेहपुर हत्याकांड से जूझ ही रहा था तब तक दो हफ्ते के अंदर जनपद देवरिया में चार चार हत्याओं से एक बार फिर से देवरिया के प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। वही दूसरी घटना तरकुलवा थाना क्षेत्र की है जहां बाबूपट्टी में एक दोस्त ने दोस्त को सीने में चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी। वही तीसरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलकुंडा जो फतेहपुर से कुछ ही दूर पर है वहां हुई है। चौहान परिवार के एक युवक को पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। आरोप है कि पुलिस ने मृतक के बेटे का शव खुद जलाने के लिए अपने साथ लेकर चली गई। परिजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन पुलिस ने उनकी एक तक नहीं सुनी जबकि जबरदस्ती शव को लेकर दाह संस्कार तक करा दिया। कहीं ना कहीं पुलिस को यह डर हो गया था कि कहीं माहौल ना बिगड़ जाए। वही चौथी घटना जिले के लार थाना क्षेत्र के रोपन छपरा की है जहां परिषदीय विद्यालय से सटे एक धान के खेत से पुलिस ने सुबह एक युवक के शव को बरामद किया है। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालय से लेकर खेत तक खून गिरे होने के चलते लोग विद्यालय परिसर में ही हत्या कर रहे हैं। शव खेत में फेंकने की भी संभावना जता रहे हैं। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। हत्याकांड जिस पर सियासत हाई हो चुकी थी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर अखिलेश यादव भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने गए थे, तो अब उसी देवरिया में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। बीते दो हफ्ते में एक बार फिर से तीन नई वारदातों को अंजाम दिया है और इन तीनों ही वारदातों में युवकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। इससे साफ तौर पर कहा जाता है कि देवरिया में कानून का राज खत्म हो गया है। देवरिया में लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है जबकि प्रशासन कुछ भी कर पाने में अब नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि रावत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि रावत, देखिए देवरिया में खूनी खेल देखने को मिल रहा है। दो हफ्ते में चार बड़ी हत्याओं की वारदात हो जाती है लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर मौन रहता है, इस पर चुप्पी साधे रहता है। लगातार देखिए जो चार वारदातें सामने आई है, सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि ये वारदातें क्या थी और पुलिस ने इस मामले पर अब तक क्या कुछ एक्शन लिया है, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात कही गई है क्या? मामला अभी जूझ ही रहा था प्रदेश में, तब तक देवरिया जनपद में दो हफ्ते में लगातार चार हत्याओं से फिर प्रदेश दलता हुआ नजर आ रहा है। देवरिया जनपद में कुछ हफ्ते पहले प्रधान संघ के अध्यक्ष अशोक मिश्रा की हत्या की गई थी और वहीं एक दोस्त ने एक दोस्त को चाकू गोद कर हत्या किया था। लेकिन कल की बात बता दें कि कल रुद्रपुर के बेलकुंडा गाँव में कृष्णा चौहान की जो जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष बताया जा रहा है उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जहाँ यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी साबित हो रही है, पुलिस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते नजर आ रहा है। यहाँ हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज सलेमपुर में भी एक चौकीदार ने अपने पत्नी को कल रात में 12 बजे करीब में गोली मार दी थी जहाँ उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं लार के रोहन चपरा गाँव में आज एक अज्ञात युवक का शव मिला जिसकी शिनाख्त करने में पुलिस जुट गई है। रवि रावत, देखिए लगातार इतनी सारी बड़ी वारदातें एक साथ हो रही है, आखिर देवरिया का जो पुलिस प्रशासन है वो कर क्या रहा है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर सख्त नजर आए लेकिन उसके बावजूद भी देवरिया में जो अपराधी है वो बेखौफ है, खुलेआम वारदातों को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली है। जी आपको बता दें कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
अपराध को अंकुश लगाने में लगे हैं, लेकिन देवरिया जनपद में आए दिन हत्या की घटना जो हो रही है, या कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हत्याएं तो हो रही है, लेकिन वजह क्या सामने आ रही है, कहीं जमीनी मामले, कोई पुरानी रंजिश, ऐसे ही वारदात सामने आ रही है जिसकी वजह से हत्याओं को लोग अंजाम दे रहे हैं। इस हत्या से कहीं ना कहीं क्षेत्र में भी सनसनी का माहौल बना हुआ है। रवि देखिए, एक मसला तो देवरिया में ऐसे भी है जहां हत्याकांड के बाद पुलिस जबरन परिजनों से शव ले जाती है, संस्कार करती है, ताकि कोई हंगामा ना हो, कोई भी शोर शराबा ना हो। जी आपको बता दें कि रुद्रपुर क्षेत्र के बेलकुंडा गांव का मामला है, जहां परिजनों का साफ तौर पे आदेश है कि मृतक युवक कृष्णा चौहान की शव को पुलिस ने जबरन उठाकर दाह संस्कार करा दिया गया। और उसके पिता का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमारी एक नहीं सुनी और हमारे बच्चों का दाह संस्कार करा दिया। कहीं ना कहीं यह परिजनों का बड़ा आरोप है जो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा करते नजर आ रहा है। जो जिम्मेदारी होती है कि वो उस जिले की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रख सके, कानून का राज कायम कर सके, लेकिन देवरिया के जो डीएम और एसपी है वो क्या कर रहे हैं? रवि, सवाल पूछा जाएगा ना उनसे? जी, आपको बता दें कि उच्च अधिकारी अभी कई मामले में बोलने से इनकार कर दिया, अभी कई मामले में देवरिया पुलिस अधीक्षक की बाइट नहीं आई है, लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें उच्च अधिकारियों के भी हीला हवाली का है, जिसके वजह से इन हत्याओं को जो है गुंडा राज कहा जा सकता है, यहाँ देवरिया में गुंडा राज पैदा हो रहा है जिसकी वजह से हत्याएं हो रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रवि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोंडा में खनन माफिया डीएम के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। जिले में रात के अंधेरे में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन का धंधा लगातार फल फूल रहा है, जबकि डीएम नेहा शर्मा की सख्त रोक के बावजूद भी अवैध खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिससे साफ पता चल रहा है कि खनन माफियाओं को अधिकारियों का कोई खौफ नहीं रहा है। अब जब खौफ नहीं रहा तो फिर सूबे के अधिकारी सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति को आखिर कैसे पूरा कर पाएंगे? तो डीएम के आदेशों के खुलेआम अवहेलना की जो तस्वीरें हैं ये गोंडा से सामने आई है, जहां खनन माफियाओं का काला कारोबार फल फूल रहा है, जबकि इसके सामने भी अधिकारी फेल नजर आ रहे हैं। डीएम नेहा प्रकाश के आदेशों के बावजूद भी जो खनन माफिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रात के अंधेरे में अपने काले कारोबार को अंजाम देते हैं। कोंडा से भूपेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए, खनन माफियाओं का खेल धड़ल्ले से जारी है, उसके सामने अधिकारी तक नतमस्तक नजर आए हैं, जबकि डीएम की अगर हम बात करें तो वो सख्त चेतावनी, सख्त हिदायत दे चुकी है कि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन हीला हवाली आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, ये पूरा मामला कोंडा जिला का ये सबसे अहम का है, जहाँ पे अवैध खनन के जो काला कारोबार हो रहा है उसके लेकर जो खनन माफिया हैं, खनन माफियाओं के हौसले आए दिन बुलंद हो रहे हैं। इसको देखते जाए, चाहे वो गोंडा डीएम नेहा शर्मा के द्वारा बार बार ये आदेश किया जा रहा है कि जो अवैध खनन हो रहा है उस पे जो है प्रशासन द्वारा रोकथाम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी दूर दूर तक जो है नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आए दिन गोंडा में अवैध खनन का जो है काला कारोबार बहुत ही अवैध तरीके से फल फूल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन के तरफ से लाचार सा प्रशासन लाचार दिख रहा है। जो अवैध खनन है कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन के तरफ से कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम नेहा शर्मा ने कल एक गाड़ी को सीज भी करवाया है। उनके नजरों के तरह बालू से भरी गाड़ी जो पड़ी तो उन्होंने खनन अधिकारियों को सूचित किया, उसके बाद एक ट्रक सीज भी किया गया, लेकिन उसके बाद ही शाम होती ही जैसे शाम होती है खनन माफियाओं के हौसले एकदम बुलंद हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भूपेंद्र, यानी कि माना जाए कि डीएम तो इस पूरे मामले पर सक्रिय नजर आती है, वो लगातार कार्रवाई भी करती है, अधिकारियों को आदेश भी देती है, लेकिन क्या माना जाए कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी मिलीभगत से ये जो भू माफिया है इनका काला कारोबार और जो खनन का कारोबार है ये फल फूल रहा है क्या? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो डीएम जो नेहा शर्मा है उनके तरफ से सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं कि अवैध खनन का जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन किया जाए,
लेकिन जो अधिकारी गण है उत्खनन चाहे को खनन इंस्पेक्टर हो चाहे स्थानीय प्रशासन, उनके तरफ से अगर जो है खनन माफियाओं के तरफ से जो है कार्रवाई की जाती तो हो सकता है जो आज अवैध खनन जो रात के अंधेरों में किया जा रहा है वो नहीं होता, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये प्रशासन के ऊपर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि जो अवैध हो रहा है भूपेंद्र से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए गोंडा में खुद डीएम ने सख्त रुख अपनाए हैं। बीते दिनों लगातार हमारे सहयोगी साफ तौर पर बताते नजर आए कि डीएम ने खुद एक ट्रक को सीज किया है ताकि उससे जो अवैध खनन का काला कारोबार हो रहा था उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारान अधिकारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का खुलेआम अनुपालन नहीं कर रहे हैं, या यूं कहे कि धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो खनन का काला कारोबार है ये रात के अंधेरे में खुलेआम फल फूल रहा है। तो खनन माफियाओं का खेल और उनके सामने अधिकारी भी फेल। जी हां, गोंडा में धड़ल्ले से अवैध खनन का काला कारोबार जारी है। रात के अंधेरे में इस काले कारोबार को अंजाम दिया जाता है, जबकि जिम्मेदारान अधिकारी आंख मूंद करके कहीं बैठे हुए से नजर आते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।